आपने गौतम बुद्ध के इन घुंघराले बालों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या वाकई में ये बाल हैं या फिर कुछ और ही हैं? तो दोस्तों, जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान लेने के लिए निकले तो उन्होंने अपने राज्य को छोड़ते ही समय मुंडन करवा लिया था। एक बार वे साधना करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वे साधना में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें गर्मी सर्दी का एहसास ही नहीं रहा। साधना करते करते गर्मी के दिन भी आ गए और बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। जब गौतम बुद्ध साधना में लीन थे तो एक घोंघा यानी कि स्नेल उधर से जा रहा था। उसने गौतम बुद्ध को तपस्या करते देखा तो उसने सोचा कि इनके सर पर बाल भी नहीं है, इन्हें बहुत गर्मी लग रही होगी। तभी वो जो स्नेल था वो गौतम बुद्ध के शरीर पर चढ़कर सिर तक पहुंच गया और उन्हें शीतलता देने लगा। उस घोंघे को देखकर और घोंघे भी सिर पर जाकर बैठ गए और सिर को घोंघे ने पूरा ढक लिया। कहा जाता है कि जो स्नेल उनके सिर पर बैठे थे उनकी संख्या 108 थी। घोंघों के सिर पर बैठे बैठे जान चली गई। जब भगवान गौतम बुद्ध की साधना पूरी हुई तो उन्होंने अपने सिर पर घोंघों को देखा जो अपना शरीर त्याग चुके थे। तब से ही गौतम बुद्ध ने उन्हें हमेशा के लिए अपने सिर पर ही उन्हें धारण कर लिया। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दें।